मंत्री मंत्री क्या करेगा, मंत्री थोड़ी करेगा, सफाई थोड़ी करेगा, मंत्री का भाव रोड को पट्टा रहे देखो जी, मंत्री तो आपको मारते हैं भाई, मंत्री मार देते हैं, अगले ठेकेदार की पेमेंट हो गया है। ये मंत्री ने एक बार आओ जी तो काचो दिखे पाछत कौन दिखे पाछत तो आम पब्लिक तो बस स्टैंड का वो था, अब ये बस स्टैंड का इस साइड का है, यानी यह है कि यहाँ पे भी सख्त जरूरत है, चाहे वो रोड की है चाहे किसी और व्यवस्था की है। अब मंत्री जी से विनती है, मंत्री जी आपके काम सराह रहे लोग, तो कृपया करके अधिकारियों को अफसर और डांटने का काम करें। नमस्कार, मैं अजय। लो जी, राजस्थान चुनाव के साथ साथ में अब मैंने भिवानी जो लोकसभा सीट है उसको भी कवर करने का, चुनाव तो यहाँ भी होंगे तो इसको भी कवर करने का काम करेंगे। तो जी मैं जब यहाँ से पिलानी जाया करता, राजगढ़ जाया करता या सूरजगढ़ जाया करता, तो यहाँ से ये लुवारू का रूट आया करते, यहाँ से निकलने का काम किया करते, यानी काफ़ी दिन देखा। तो अब दौरा यो राजस्थान से आखिरी काम कहूँ या हरियाणा का पहली तहसील कहूँ कि लुवारू तहसील का नाम, और यहाँ से माननीय कृषि मंत्री जी हैं जो यहाँ के MLA हैं और पूरे प्रदेश के वो कृषि मंत्री हैं। तो ये लुवारू का बस स्टैंड है और ये लुवारू के बस स्टैंड की आगे की व्यवस्था है। अब जी व्यवस्था सही है खराब है, अब यहाँ पे लोग रहने वाले लोग हूँ वो बताऊँगे, क्योंकि यहाँ पे बैठे हैं और यहाँ बैठे हैं ये कर्मचारी भी हैं, चाय वाले भी, सारा सौदाड़े है। सबसे पहले नमस्ते, कर्मचारी सभी कर्मचारी हैं, चाय नहीं पीएंगे बात करेंगे, सभी कर्मचारी हैं तो बताएं कर्मचारी के लिए क्या क्या जो भाजपा सरकार ने कर दिया, क्या क्या योजना चल रही है आप लोगों के लिए, क्या क्या आप लोगों को सुविधा मिल रही, और क्या क्या इस तहसील की बात कराएं, इस हल्के की बात कराएं, तो क्या क्या विशेषताएं हैं बता दे। प्रधान जी बिल्कुल ठीक चल रहा भाई, थोड़ा गेट दोनों गेट है ना ये खराब चल रहे हैं, जमा बिल्कुल खराब है। हाँ मेन गेट यो है, मोटर है बिल्कुल टूटा हुआ है, पानी भरा रहता है यहाँ पे। अच्छा, इसको तो ठीक करवाओ भाई। तो आप कर्मचारी लिए क्या सरकार क्या कर रही, कर्मचारी कुछ नहीं अभी तो भाई, खराब माटी करा है कर्मचारियों खातिर। अच्छा फैन खाओ है, चाप यो हो ना बस नहीं बस धक्का दे, हां 4 महीना बन की तनख्वाह है। अच्छा अच्छा, वो भी लठम लठ हो गए ना, 4 महीने बाद तनख्वाह मिलती है रोड पे काम करते हैं ये भाई, भले एक बार पतला 4 महीने में 4.5 हजार महीने भाई। अब पक्के कर्मचारी हैं जो आज वो ठेकेदारी प्रथम तो लेना, पक्के कर्मचारी हैं, पक्के कर्मचारी हैं। तो आपका रूट क्या कहलाता है वैसे, रूट तो इनका है जी, रूट आपका क्या रहता है, रूट मेरा लुहारू सिवानी, लुहारू सिवानी। उसके 20 की अगर रोड की व्यवस्था बात करा तो क्या मानते हैं, रोड ठीक है जी, रोड ठीक है, वो आगे ठीक है, कानून से मोहिला और सिवानी के बीच है ना वो टूटा हुआ बिल्कुल। चाचा मैंने सितंकर रोक के आप लोगों का किस तरह काम चलता सर बता सकते हैं, क्या करें उधारे ले गए किसी काम चलाया हमने तो। अच्छा मंत्री जी का अगर यहाँ के कृषि मंत्री आपके यहाँ के है, हल्के विधायक भी है मंत्री, उनकी वजह से मंत्री जी ने हमें सैलरी दिलाई है, उन्होंने डीजी के पास फोन करके हमें बोला कि कर्मचारी परेशान हो रहे हैं और हमने तो आंदोलन की भी चेतावनी दे दी थी, उसके बाद हमारी सैलरी आई है, चेतावनी आप लोगों ने जीएम ने कोई और अधिकारी लेटर वेटर लिखा मंत्री जी को मिले कभी इस मामले में, पहले हमने जीएम को लेटर लिखा था उसके बाद जीएम ने आगे मेल करी है फिर भी तनख्वाह नहीं आई है हमारी, गेट के बारे में भी किसी को नहीं लिखा, गेट के बारे में मेरा को नहीं है, साबुत है खुद रोडे भी चाहे ऐसे सब खुद लाग रहा था। अच्छा एक एक दिन आप भी को प्रोग्राम कर दो जेपी लाल जी के लिए कि आपकी तनखा दुआ दी, तनखा का बहाना हो जाएगा और रोड की व्यवस्था बन जाएगी, कर दोगे कर दें कोई दिक्कत को नहीं, कब सीख रोगे वो है कर लें बदला दें सारा तो कौन जाता। नमस्ते, तो क्या व्यवस्था मानते हैं आपकी रोड इस बस स्टैंड की, कर्मचारियों की, अधिकारियों की, व्यवस्थाओं की? उसका ठीक है चल रही है व्यवस्था, तो व्यवस्था ठीक है, ठीक है बस स्टैंड की भी साफ सफाई है, ये जो रास्ता मेन गेट है ये देखो इसमें गड्ढे है, ये सरकार का काम है या अधिकारियों का काम है ये तो वो ही जाए, आपके मंत्री जी हैं वो तो स्पेशल अखबार में सुर्खियां रहती है, वो उन्होंने तो कोई काम छोड़ा है वो नहीं, फिर यो काम किस तरह अचुता रह गया आपका, पूरा नाम आने कौन जी मंत्री ने कोई सुध नहीं ली है, नहीं यहाँ पर आकर कोई जायजा लिया है, अंदर जाने के लिए और बाहर निकलने के लिए आम जन को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और बरसात के मौसम में तो यहाँ पानी भर जाता है, नहीं निकलने का रास्ता रहता है, नहीं निकलने का रास्ता। तो ये कर्मचारियों की राय है जी, है कर्मचारियों की राय है, तो चाय का आनंद लिया जा रहा है, बस का रूट है को नहीं, लेकिन फिलहाल चलते व्यवस्था ये है। और हाँ जी नमस्ते, बताए आपके लुहारू लड़का कितनी प्रगति करी, भाजपा राज के अंदर क्या मिला आप लोगों को, आपके सामने है सब कुछ,
आप बताओ। देखो नहीं, बस स्टैंड के ऊपर निकलने और बढ़ने के लिए जो साधन आते हैं उसके पानी का गड्ढा बना हुआ है। अच्छा, क्या है आपके जी, आप आए नहीं कभी? कभी देखा ही नहीं आज तक, देखा नहीं है। चलो जी, जी को इन्होंने बुलाना है, अब आऊंगे। मैं तो बात जान रहा हूँ लोगों की, इसमें कोई किसी का वो नहीं है, कोई किसी की बातें नहीं है। अब ये आम जन है, आम जन आम आदमी के लिए अपनी बातों के लिए बस बात बताने का काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे जी टाइम पास किया जा रहा। मिस्त्री है सभी, नमस्ते, दो मिनट रोके प्लीज, हम आपके लिए आए हैं। प्लीज अपना नाम बता दो। मेरा नाम सिंह राम शर्मा है। हाँ, समझ तो क्या क्या व्यवस्था है? मंत्री जी आपके इशारे हैं। हाँ। और राजस्थान से टच का आपका एरिया, क्योंकि अगला ये तो बॉर्डर गांव है। हाँ, बिल्कुल, को बॉर्डर। क्या क्या व्यवस्था बनेगी, कितनी व्यवस्था बनेगी, क्या क्या उपलब्धि हुई आपके लुहारू हल्के के अंदर? लुहारू हल्के के अंदर पिछले 20 सालों में जो नहीं हुआ वो इस 5 साल में हुआ। 20 साल का काम, 20 साल का एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई है, बन रही है। हॉर्टिकल्चर खूब बढ़िया बना दिया, और डांगर पशुओं के लिए बैल में खूब बड़ा बड़ा है, 4 के बराबर। दिल खोल के काम कराया। हाँ, दिल खोल के काम कराया। लोहारू का किले के सामने पार्क बनाया जो सरता था, कब्जाधारी लठ बजाते थे रात दिन यहाँ। और करने को गर्ल कॉलेज कई सालों से अटकी पड़ी थी, वो भी बनाई है। और जो जिसको जो हिस्सा मिलना चाहिए उसके खाते में जाता है, या डीलर का, या तेल चावल चीनी जो मिलना है वो मिलता है। यानी अगर कह सकते हैं कि पूरे हरियाणा के हल्के की, जिले राज्य की बात करो। हाँ। तो जो प्रगति की तैयारियां हैं, प्रगति का जो गमन है, वो यहाँ से दिखा जा सकता है। हाँ बिल्कुल, देखे पूरे हरियाणा में। मंत्री तो ईसा हो, मंत्री भी ईसा हो ही, और आगे भी होगा। हाँ जी, आपने तो सुनी है कि MP का चुनाव भी लड़ सके हैं। वो तो खुद जाने, उनके बारे में क्या बता सकता। हाँ, वो तो खुद जाने, नेता वो है, नेता वो है, यानी असली नेता वो है। हाँ जी जी, क्या कहेंगे आपका? कुछ नहीं है, धन्यवाद है अपनी तरफ से। धन्यवाद है, पूछा ही नहीं आपने तो कुछ। इतनी बात बात पूछ ली सर, पूछ ली को नहीं बताए। तो आपने जब इतनी बड़ी बात, आपने यूनिवर्सिटी का नाम लिया है, आपने एग्रीकल्चर का नाम लिया है, अपने पार्क का नाम लिया है, अपने कॉलेज का नाम लिया है, तो जो करे है वो तो काम बताए ना। और गाँव में सीवर सिस्टम भी बनाया। सुने सुने सुने, जो काम नहीं करा वो तो सवाल तो उस तक पूछूंगा, जब जनता पूछ, पहले जनता जवाब देना रही है, तो इसलिए काम बोलने लग रहा है। बिल्कुल काम करने लग रहा है, और कोई हराने वाला नहीं है चुनाव लड़ेगा तो। ये बात है ना, और MP का लड़ेगा तो सेंटर में मंत्री बनेगा, सेंटर मंत्री बनेगा, ये बनने लायक आदमी है। हाँ। बनने लायक आदमी, लेकिन वो बस स्टैंड का रोड फुटा बढ़ा देगा, बन जाएगा, टेंडर हो लिया, टेंडर हो लिया, टेंडर हो लिया बाबू जी। ये तो ऐसी ये कोई खास समस्या नहीं है, ये तो नगर पालिका बात तो है, बस बोलना है को नहीं, आप बाकी सारी चीज तो दिखा सको। मैं जो सवाल कर लिया, बस का रोड फूटा है तो तुम पाठ के पड़े हो उस टाइम से, 2 मिनट पहले मैं कैमरा लगाऊ था, मैं आगे चाल पड़ा था, उल्टा बुलाया हूँ। इनका मन में रह गई थी, मन में कौन रही थी, बोलने की वह कौन थी, सहन शक्ति कौन थी? हाईवे बन रहा है, पुल बन रहा है, और रोड खूब बनेगा, और 4 लेन बनेगा। अच्छा, बैठ के ताश खेल सका है, बोलने की नू हिम्मत को नहीं बोलने की है, खूब सुंदर बनेगा जी। अच्छी बात है साहब, जो काम करेगा उसको आदमी को सर आकर रखना चाहिए, मंत्री हो चाहे MLA हो, बात किसी की है को नहीं। रेलवे स्टेशन से देवीलाल चौक तक रोड बनाया, रोड बनेगा, बन चुका। किसी ने शिकायत करी उसको चेक भी किया, सब काम अच्छे होंगे। यानी मंत्री की निगरानी में काम होंगे तो किसी अधिकारी की मत है को नहीं, दाए तो बाई कर दे, सारे काम अच्छे होंगे। कल्पना करिए सर, राजस्थान से है तो आपका राजस्थान सूत्रो है या हमारो राजस्थान लाख तो गांव लुहारू सूत्रो है? राजस्थान भी सुतरा ही है, ये भी सुतरा ही है। आप यहाँ से हैं तो ये पार्ट पार्ट के पड़े हैं, बताएं इसलिए जी है, इसलिए जी व्यवस्था के लिए बुद्धि ठीक हो रही है, ठीक है ना जी, व्यवस्था ठीक ठाक देखी जा सका है। ता रोड अभी बस स्टैंड है, और ये मेरे हाउस बस स्टैंड की वर्कशॉप है, और जी ये आगे चौक कौन सा है, ये चौक कौन सा है? आप कहाँ से हैं? गुड़ा से। आपका कहाँ गए थे? मैं अपने कॉलेज से आया हूँ। आर्मी उर्मी में है या किस तरह? क्या नहीं, बैग बुक तो आर्मी में टांग रहे हो? नहीं, कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। कॉलेज का स्टूडेंट पढ़ते हैं? हाँ। तो क्या मानते हैं, मान सकते हैं आप कॉलेज की व्यवस्था, मान सकते हैं टीचर का व्यवहार, मान सकते हैं क्या व्यवस्था है? सर मैं लेट हो रहा हूँ। अच्छा, लेट हो रखे ये फिलहाल लेट हो रखे हैं, तो आगे आ जाओ जी, मार्केट की तरफ चलते हैं, आगे एक प्रोग्राम है वो अटेंड करना है, लेकिन तब तक की व्यवस्था याद रख लेता हूँ। और आगे की अगर चौक की बात करूँ तो ये चौक के ऊपर की
लोहारू के रोड की व्यवस्था है, जैसे वो गेट के आगे उन्होंने बताया, रोड कंपनी ने बताया, वैसे ये आगे की व्यवस्था है। अभी चौक कौन सा बना नाम अभी पता चला को नहीं है, पता चलते ही मैं आपको बताने का काम करो। चौक कौन सा है? बोल मेरा। अच्छा ये चौक डेरा कौन, ये चौक है कौन सा? तो यह लोहारू की मार्केट है, और मैं ये इस तरफ की बात करूँ तो स्टेशन का रे रूट देखा जा सका है। नमस्कार, इसकी क्या हो गया बादाम? और यार बादाम की जरूरत पड़ेगी क्या करा तो भाई साहब? क्यों क्यों के भी बुला दी है चाड़ा, आदेश करो बोलो सर। मैं आदेश ये है कि आपके लोहारों की व्यवस्था बताएं, क्योंकि आपके हिस्से में तो मंत्री जी हैं। हाँ जी बिल्कुल, अजय प्रकाश जी दलाल है। हाँ, तो क्या क्या काम हो गए, कितना बढ़िया काम हुए हैं? नहरों में खूब पानी आया है, बढ़िया विकास हुआ है, रोडे बनी है, काम बना है। सच्चाई बोला भाई यार, अच्छा नहरों में काम हुआ है जी, पानी आया है, किसान भी खुश हैं, जनता भी खुश है, अच्छा मुआवजा दिलाया है। अच्छी बात है, अच्छी बात। लेकिन ये रोड की व्यवस्था क्या मान लो, ये रोड की पानी की व्यवस्था नहीं बन रही यहाँ से, रोड की व्यवस्था, पानी की रोड बढ़िया है, रोड बढ़िया है जी, क्या कमी है? ये खो ये थोड़ा बहुत फूट जाते हैं, ओवरलोड गाड़ियां चलती है। अरे इतना डरना चाहिए? हाँ नहीं, राजस्थान से लगता एरिया है, पता चलना चाहिए कि हरियाणा में एंट्री हो गए। हाँ हाँ, राजस्थान से हरियाणा में आए, उनको मालूम चले हरियाणा आ गए। हाँ जाग जाए, जाग जाए। क्या नाम अपना? हरीश शर्मा नाम। नमस्कार भाई साहब, तो आप दुकानदार है, तो क्या मान सकते हैं कि कितना ग्रोथ आपका लोहारू हल्का कर पाया मंत्री से आने के बाद में, और अब की जो राजनीति है वो क्या मोड ले रही, किस प्रकार से राजनीतिक विचार क्या होगी? ठीक है, काम आधा थोड़ा है, कम है, ज्यादा है, काम कम है, मंत्री निगामक कमी है या फिर अधिकारियों की निगामक कमी है, क्या बताओ? बताओ तो आप पे की निगा कार्यकर्ता है, वो हरकत कर जाते हैं। अच्छा सर, काम हल्का हल्का, क्या क्या कमी मान सकते हैं? कमी क्या क्या मान सकते हैं? कमी तो क्या है, सड़क सड़क की है, वो क्या कमी है? सड़क की है, साफ सफाई पक्का नाला बना है, वो नाला सीवर की कमी है, इसकी कमी की कमी है, सीवरेज की कमी है। नमस्कार भाई साहब, कैसे हैं? बढ़िया। बताएं आपके लोहारों के बारे में। लोहारू में काम हुआ है सर, एक यहाँ पार्क बना है बहुत बढ़िया, हमारे यहाँ गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कुड्डा सर सरकार में पास हुआ था जी, जो कि अब मंत्री जी ने अब बनवाया है। रोड वगैरह का तो ये हो जाता है जी, अलग अलग डिपार्टमेंट का इशू हो जाता है, ये बीएनडीआर में है, वो नेशनल हाईवे में है, और पटना नगर पालिका में है, इस वजह से रोड भी ये हाल है, वो छह एजेंसियां काम करती है उस व्यवस्था के लिए, लेकिन पता चल नहीं पता कि वो कौन सी एजेंसी किसके लिए काम। मंत्री जी ने जितना विकास लोहारू का करवाया है वो सबसे बढ़िया खूब काम करवाया है जी, आज तक इतना काम नहीं हुआ। पूरे हरियाणा विकास एक तरफ, लोहारू का विकास एक तरफ। हाँ हाँ, काम हुआ है सर, बहुत रोड ऐसे ऐसे काम थे जी जो आज तक नहीं हुए यहाँ, काम करता रहूंगा। हाँ बिल्कुल, पार्क बनाया जी, एक स्वर्ण जयंती पार्क वो दिखाना है, एक गर्ल्स कॉलेज बनाया जो कि 10 साल से पास हो रखा था, वो बनाया जाके बिल्ली के बगाच का टूटा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अपोजिशन में थे ना जी हमेशा, सरकार में काफी सालों बाद में योगदान हुआ है। चलो जी, अगर कोई मंत्री हो, कोई एमएलए हो, कोई एमपी हो, तो काम करते तो उनकी पीठ पीछे ऐसे बड़ाई होती है। मेरे लिए ये अनजान है, मेरे लिए वो अनजान थे, मेरे लिए वो अनजान थे, मेरे लिए सभी अनजान है। लाइट भी अच्छी आती है आजकल खेतों में, इनको पानी पानी है, हमारा एरिया की नहर है वो सूखी पड़ी है, पता नहीं वो भी कि कमी रही है, पानी हम फाटक पार गांव से हैं, दानी शमा, अब पीने के पानी की लाइन बुझवाई है मंत्री जी ने, नई नहर बनवाई है, दानी शमा से दानी रामपुर लिंक रोड कभी नहीं बना था, 100 साल पुराना, अब पहली बार बना है। चलो जी धन्यवाद आप सबका। जो बस स्टैंड का वो था, अब ये बस स्टैंड का इस साइड का है, यानी यह है कि यहाँ पे भी सख्त जरूरत है, चाहे वो रोड की है चाहे किसी और व्यवस्था की है। अब मंत्री जी से विनती है, मंत्री जी आपके काम सराह रहे लोग, तो कृपया करके अधिकारियों को आप थोड़ा और डांटने का काम करें, तो मंत्री जी से विनती है थोड़ी व्यवस्था बना दो। और जी लोहारू में क्या बढ़िया है, क्या देख देखने लायक है, क्या काम होगा भाई? ये कांकरा तो गया, खिंड रोड तो गया, फूट गए, यही भी बना था रोड, यही भी बने थे। क्या बने पहला बने थे? मैंने को नहीं बनाया, फूट गया बना था बिल्कुल रेडी ढोई फूट गया ना, जे भी चीज है ये गरीब कारण को हमने के रेडी लगा। एक महीने अंदर रोड बन मिली और फूट भी लिया, तो मंत्री जी की किसी निगरानी है फिर? मंत्री जी किसी निगरानी है, काम चल रहा है, हाल हाल है, काम चल रहा है, हाल हाल है, सूर्य तो काम चल रहा है, हाल हाल है, दुनिया बढ़ाई कर बावड़ी हो रही है।
भाई बधाई तो करेंगे भाई, ये रोड बन भी गए और फूट भी गए, देख लो तराके है। कमी के रही बात बुझना, कमी के ना के और तो ये बिटनी नॉलेज हमने थोड़ी है, नॉलेज रखा है, वोटर है, नॉलेज होनी चाहिए। तो ये रेडी वाले थे भाई, अपनी अपनी बात लोग बताने को तैयार है, बता रहे। अब इसी नाले की व्यवस्था आपको मैं आगे दिखाने काम करूंगा। और यहाँ पे सैनिक विश्राम गृह लोहारू का जी, नमस्कार। बाजार मंदा है, सही है, किस तरह है? सही है, मंत्री जी ने कितने काम करा दिए? बढ़िया करा दिए। रोड क्या महीने पहले बना था? यो एक महीने पहले बना है। वो रोड वो फूट गया फिर? वो तो वो फट गया, वो फट गया। हां तो वो जो फट गया उसमें क्यों फूल गया था? वो फूल गया था, फूल किस तरह गया पता नहीं, वो कैसे तरह फूल गया जी? वो तो बुझ जा करो आप लोग, अड्डा भरो क्या तो बुझ जा जी। अच्छा क्या तो बुझ जा, ठीक है, क्या तो बुझ जाएंगे जब इनका काम चल रहा है। हाँ भैया जी नमस्ते, कैसे हैं? बढ़िया। तो पढ़े लिखे कितने? पढ़े लिखे रेडी लगा लागे हैं? हाँ जी। पिताजी लगाते हैं? पिताजी लगाते हैं। आप सहायता करते हैं? हाँ। ये नाम है नरेश। हरीश नरेश। नरेश की व्यवस्था आपके लोहारू की है, शहर की है? एकदम बढ़िया जी। चका चका। हाँ। रोड का महीना पहला बना था? रोड जी 5-6 महीने ही हुआ। जो फूट किस तरह का लगा? जो तो जी आगे नमी आ गई थी इसके कारण। अच्छा नमी आ गई थी। मंत्री जी का काम बिल्कुल एकदम बढ़िया जी। जी समस्या बता दीजिए। हां खाक एक एक समस्या जुड़े ज्यादा पूरा रोड पावारा पशु होता जी। अच्छा और समस्या सारी एकदम ओके जी। ये तो काम नगर पालिका का है ना जी? जेपी दलाल करवा ज्यादा करते हैं। जेपी दलाल करवाया करा है जो काम भी मंत्री जी करवाओ है सारा जुड़ा आमते रहे जेपी दलाल। अच्छा आप तो कबरे वाले है? आप काम हो जी, मैं नाम चार चक्कर मारे हूं। आप तो एक बार वाले है? चलो जी ये कब है मंत्री होती शायद हो अपना लक्का मैं अब तक एक बार चक्कर लगा ले है। अब नंदी महाराज है, नंदी महाराज है, गौ माता बेरा को नहीं लेकिन है, लेकिन ये व्यवस्था ठीक है कि यहाँ पे ये व्यवस्था है बस वो की थोड़ा सा आगे आ जाओ। अब नाला दिखाने टाइम आ गया क्योंकि काम ये दिखाने का है। अब ये नाले की व्यवस्था है और ये नाला की द्वार देखा जा सकता है और यहाँ पे ये शहर का पार्क है तो ये व्यवस्था होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए पता नहीं, लेकिन यहाँ पे गाड़ी वाले खड़े हैं, अब उनसे बुझ देना काम करूंगा। ये रोड नया बना था? नहीं सर। तो नया बना था, नया बना था। ये फट कैसे गया? बनती बनती से छाबी से माल लाके कुछ पड़ेगो है, जैसे माल लाग रहे उसको तो बनेगा रोड। हां जैसे माल लगा वैसा बनेगा। हां जो ये नाला है जो आपका नाला, अरे वो लाइव दिखाओ इसके, लाइव को नहीं वैसे बात करा। नालो रुक रहे हो? रुक रहे हो जी। नालो नाला बंद है फिलहाल? ये फिलहाल बंद है। ये कागज कचरो कचरो आ गए बंद है। और यो अगर चालू हो तो क्या व्यवस्था बना शहर में? शहर में बढ़िया है, पानी निकल गया, गंदगी बाहर हो गया शहर से। तो काम तो नगर पालिका का या नगर पालिका है? करती है सफाई? आव है, झाड़ू डेली लगती है सर। सफाई डेली है? सफाई झाड़ू बढ़िया डेली लगती है इसकी, यानी वो मुंह चौपड़ दे है पेट खाली छोड़ दे। हाँ बस ये चीज है। समुद्र के नाले की व्यवस्था यहाँ की पानी दो बूंद भर जाएगा, पानी वाले गोड़े गोड़े भर जाएगा, बूंद में बारिश आती गोड़े गोड़े पानी भर जाएगा, बारिश मत भरेगो। अबे यो खड्डा है यो सीवरेज का? साइड वाला भी सोचा है इसे, कोई बात ना वो टूट रहा, वो आगे टूट रहा, वो देख लो सारे बाथरूम है ये बंद पड़े हैं सारे। मंत्री जी एक हफ्ते में दोरा मारते हैं? मंत्री से रोज दोरा मारो। हाँ रोड की सफाई रहा नाला ही तो कोई लैट्रिन बाथरूम सीढ़ी है बांस मारी बाहर के लिए मारो नाला का सारा टूटा पड़े। अच्छा उसमें जी लैट्रिन बाथरूम में बड़े गुंजा वो भरिया है ऊपर सफाई ताला बंद है? ताला बंद क्या कर दिया क्या जी? वो तो जिस प्रकार से मंत्री जी का रोब है, मंत्री जी का लोग बताओ बहुत बढ़िया काम करे, आगे काम करके मंत्री काम करो ही करे है, मंत्री काम करे मंत्री, लेबर तो काम कौन करे है? मंत्री सो का सो है, मंत्री को सो का सो है जी, मंत्री सो का सो तो मंत्री है बढ़िया माने थे मंत्री को। हां देखो जी एक कर्मचारी है, कर्मचारी ये करो वो नहीं, एक गलत कर जा है मंत्री, मंत्री क्या करेगा? मंत्री थोड़ी करेगा, सफाई थोड़ी करेगा, मंत्री का भाव रोड को पट्टा इस प्रकार से ये काम है। देखो जी मंत्री तो आपको माल दे है भाई, मंत्री माल देते है अगले ठेकेदार की पेमेंट हो गया है, ये मंत्री ने एक बार आओ जी तो कच्चो दिखे पाछे कौन दिखे पाछे तो आम पब्लिक धन्यवाद आपका। डर के लग गया है सही को भरिया चल रहे हैं छिड़ा है पूरी जाड़ बहन चो ने और ना छिड़ा है तो उठी जाके देखो पर ने भाई सफाई ना होगी तो भरे हैं। भरे हैं दर्द पूरा पूरा है जी। हाँ जो कर्मचारी दर्द जी जाके देख लो, जो कर्मचारी जो कर्मचारी अदर दे मंत्री जी नाशे हम लको थोड़े मंत्री आउन दे सफाई करते हैं। हां तो वह चक्कर है मान दो। एक बात बताओ मंत्री आलियो जो कैबर आलियो यो डंगो पड़े ठाक ली जान को अक्सर कोनी, यो भीतर से बाहर गिरती है बाहर से ठाक ले जाओ। अच्छा
ठेकेदार काम कौन करा है, लेकिन मंत्री जी ने सुननी पड़े है, मंत्री तो सुननी पड़ेगी, मंत्री के सफाई करते मंत्री पैसा दे है, कर्मचारियों ने कर्मचारी लगा के मतलब सरकार कह गए 20-30 का तो कति खात्मा कर दिया। साहब ये है बढ़िया है, वर्कर काम करी ऊपर अधिकारी दाब देगा तो नहीं कोई ना कोई और अब तो दिवाली भी आ गई, ये वो इनाम भी देना पड़ता होगा फिर तो। इनाम यो रहे जी देख जो ये रोड तो पड़े हो यो रहे हो इनाम गाड़ियां को लागे ढंग शुरू रहे गाड़ी बा बताओ आप टैक्सी वाले हैं साहब ये गाड़ी ले रहे हैं पूरे खड़े होकर बुकिंग आ गई तो चला जावांगा खड़े हैं तो क्या क्या नाम आपका आपका नाम ओम प्रकाश है आपका नाम इंद्रजीत आपका नाम सर अनिल धन्यवाद आप सब आप सभी का राय थी अब आगे और दिखा दूंगा क्योंकि आगे जो खुला माहौल है वो भी दिखाने के लिए है क्योंकि आज मैं लोहारू के सर्वे का काम कर रहा बस ये हूँ रोड पे हूँ तो रात्र भी आपको दिखाता हुआ चल रहा हूँ मंत्री जी के काम भी मंत्री जी के प्रति लोगों के विचार भी और जिस प्रकार से मंत्री जी की यहाँ पे कुर्सी के विराजमान होते हुए ये व्यवस्था लोहारू के अंदर की भी दिखाने की जरूरी है क्योंकि मंत्री जी का काम सराहाया जा रहा लेकिन कर्मचारियों का काम बस 20-30 पा के अटका हुआ देखा जा सकता है जी। अब ये व्यवस्था है एक तरफ पार्क है ये लाल बहादुर शास्त्री पार्क कौन सा पार्क है पार्क है और एक तरफ पार्क है एक तरफ पार्क के आगे की व्यवस्था है तो नुका है कि डेंगू हो रहा है मलेरिया रही है बीमारी फैल रही है दिखे आपने तो आपने दिखना भी अच्छा दिख रहा है तो है चलो जी दिख रहा ये बीमारी फैलने के जुगाड़ है या इसको ढकना चाहिए नहीं ढकना चाहिए क्योंकि मंत्री जी का उरा नाम जुड़ रहा है तो यो नाला था और यो सार्वजनिक शौचालय नगर पालिका लोहारू का है एक तरफ पुरुष का और एक तरफ महिलाओं का है अब वहाँ पे जाके ये बाथरूम करेंगे एक मिनट जवाब बाथरूम आकर भाई तो अब यो खुला हो तो यहाँ पे लोग बाथरूम कौन करें और यहाँ की गंदगी बाहर को फैला ये बंद कितने दिनों से है अच्छा अब बाथरूम आ रहे हैं बाथरूम कित जाओगे फिलहाल गाय भाई अड़े करोगे अगर ये खुले हो व्यवस्था हो तो काम चल जाए हाँ। तो कई दिन हो गए बंद हुए कई दिन हो गए अच्छा खुले को नहीं है ये खुला था पहले फिर बंद हो गए अच्छा खुले से पहले बंद हो गए बंद क्या हो गए पूछी बाजी को नहीं किसी ना जी किसी ने पूछा पूछा करो कभी कभार मैं पूछ जा करें क्या नाम अपना मेरा तो मैं अच्छी है ये बात हुआ तो आवाज है पूरा पूरा आगे कर लेंगे लेकिन जी मजबूर ये भी है क्योंकि बाथरूम रुकता नहीं है किसी का अब चाहे शुगर की वजह से ला लो चाहे वो उम्र के हिसाब से ला लो लेकिन यह है व्यवस्था व्यवस्था होनी चाहिए तो अब आगे स्टेशन आ गया स्टेशन के आगे की और यहाँ पे धर्मपुर करने वाले लोग भी हैं और एक बाथरूम यहाँ पे है फिलहाल ऑलरेडी आज जब अंदर की उसकी व्यवस्था दिखा देता हूँ ये बाथरूम तो यहाँ पे है और यह बाथरूम की व्यवस्था या बाथरूम की व्यवस्था अब आ जा या बाथरूम की व्यवस्था पुराने की अब नए बने थे अब वो नए का पता नहीं मुहूर्त हुआ है कौन ही होया है लेकिन यह है कि अब इसकी जगह वो है वहाँ पे लोग खुलने में बाथरूम करने को मजबूर हैं। अब इस जगह के लिए जो यहाँ पे आना चाहते हैं रेलगाड़ी में टिकट डाल में जी जैसे हैं और व्यक्ति भी हैं लोहारू से भिवानी की लाइन बड़ी लंबी लंबे समय से डिमांड है जो नहीं पूरी हो रही लेकिन आज लोहारू के स्टेशन ऊपर खड़ा हूँ तो लोहारू जंक्शन है और जो एक शहर को दूसरे शहर से जोड़ने के लिए दूसरे राज्य जोड़ने के लिए यहाँ पे उस लाइन की सख्त जरूरत है लेकिन वर्षों वर्ष तक यह डिमांड हो रही है कि पास होगी नहीं होगी पास होगी क्या होगी लेकिन जो यहाँ का जिला लग है वो आपका भिवानी लग है लेकिन भिवानी यहाँ पे लंबी लाइन नहीं है उसकी वजह से यहाँ लोगों को दिक्कत होती है हमारे डाल में जी तो मांग छाते छाते बुढ़े हो गए लेकिन व्यवस्था बनी होनी तो कितनी जरूरी है यह मांग बहुत ज़्यादा जरूरी है अच्छा मंत्री जी आगे हैं क्यों आपके पास मंत्री जी को ऐसा कदम उठाओगे देखो जी वो तो मंत्री ऊपर डिपेंड करता है अच्छा जरूरत बहुत तकड़ी है हाँ जरूरत तो बहुत तकड़ी है नहीं बिल्कुल अगर यो जुड़ जाएगा तो राजसंगा से दम मार्ग जुड़ जाएगा बिल्कुल जी बिल्कुल है नहीं बिल्कुल जी जंक्शन है जंक्शन व्यवस्था क्या आपकी व्यवस्था क्या बनेगी लोहारू में मंत्री जी बनने के बाद में हाँ जी व्यवस्था क्या मानते हैं लोहारू की बन रहे हैं रोड वगैरह बन रहे हैं अभी शुरुआत हो रही है काम बहुत हो रहे हैं अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं अच्छे कर रहे हैं काम अच्छे हो रहे हैं हाँ जी पालिका सफाई कर्मचारी आ जाते हैं हाँ आते हैं आ जाते हैं क्या नाम अपना राजेंद्र कुमार राजेंद्र कुमार चलो जी इन्होंने कहा कि यह लाइन की बड़ी सख्त जरूरत है इस शहर को उस जिले से जोड़ने के लिए अब जी आगे आगे चलते हैं लोगों की राय वो पूछ गए वो बता दूंगा
यहाँ पे लोग और भी मिले, दो मिल गए। नमस्कार, वैसे सर्वे कर रहे हैं तो क्या व्यवस्था मानते हैं आपके लुहारू की, क्योंकि राजस्थान से टच का इलाका है, पहला गांव पहला हल्का, क्या लेते हैं, क्या मानते हैं इस चीज के बारे में? व्यवस्था है आपके लुहारू की? व्यवस्था ठीक है। ठीक है, और कोई मांग डिमांड शराब भिवाने से लुहारू को लाने की कितनी बड़ी तकलीफ डिमांड है? यहाँ के लोगों को मांग भी है या वहाँ वहाँ के लोग मांगते रहते हैं? सिर्फ डिमांड पूरी तो नहीं होती है, डिमांड पूरी तो नहीं, मेरी उम्र 30 साल होगी, सर्वे चलते 30 साल होगी। अच्छा, डिमांड पूरी तो नहीं होती, डिमांड सर्वे सर्वे होते हैं। अच्छा, डिमांड से ज्यादा जरूरी गाय है इस हल्के की और उस शहर की, क्योंकि जान है आप श्री में जुड़ जाएगी तो व्यापार बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा। और अब आपको जाना पड़ता है शहर 60 किलोमीटर बस में, 60 का ही 65 है जी, 65 है। तो अब साधन एक रूटीन साधन नहीं है, शाम को 6 बजे के बाद में 9 बजे तक खड़े रहो, 3 बजे के बाद में भिवाड़ी से साधन कोई नहीं, इतने स्टूडेंट जाते हैं बस, भीड़ इतनी भीड़ मिलती है कि दो बैग लेके किसी को आना हो ना तो पर्सनल साधन करके ले जाओ, लेकिन सख्त डिमांड जरूरी है लुहारू के भिवाने की, टाइम जरूरी है। तो अब आपके जिला जो दूसरा भिवाने का अलावा जिला कौन सा पड़ा है? दादरी है, दादरी जिला पड़ा है, दादरी यहाँ से कितना पड़ा है? मंत्री जी है कि नहीं, मंत्री जी ने आवाज उठाई है? अभी तो कुछ उठाई नहीं है, अभी तो नई लाइन बनाने की सिलानी हो गए, दिल्ली मिलाएंगे उसको, दिल्ली जज्जर हो गए, उसका सर्वे चल रहा है, रेलवे लाइन का। हाँ, जरूरत जिसकी है वो तो ही को नहीं है। चलो जी, ये लुहारू शहर के लोगों की राय है और राय के साथ साथ में वास्तविकता है, बात ये है कि चाहे लुहारू की बात हो चाहे आपके भिवानी की बात हो, बस यह है कि सबसे पहली और सबसे प्रमुखता से आवाज उठाने वाली ये है कि इसको रेलवे लाइन से जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ का अगर रेलवे लाइन से जुड़ेगा तो एक छोर दूसरे छोर से जुड़ेगा, और क्योंकि ये राजस्थान से लगता हुआ इलाका है, अब जिला मेन भिवानी है, तो मंत्री जी को कहूँ या यहाँ के और एमएलए और एमपी साहब को कहीं, तो ये सख्त जरूरत है इस शहर के लिए, उस शहर के लिए, व्यापार के लिए हो चाहे आम जन की व्यवस्था के लिए हो या उसकी आने जाने के लिए हो। लेकिन ये है जी, अब ये 30 साल से इन्होंने कहा, 30 साल से हम देख रहे हैं, अब जिस तरह लोग आगे मिलते रहेंगे तो बात करते हुआ, नहीं तब तक की न्यूज ये है। जे एन सिंह से अजय नायक, दीपांशु शर्मा की खास रिपोर्ट लुहारू से।